साथ बोकारो के सिविल सर्जन दिनेश कुमार हैं। आइए सर से करते हैं बातचीत और जानते हैं बोकारो में जो जॉन्डिस की समस्याएं आ रही हैं, जॉन्डिस से बचने के लिए किन उपायों का ध्यान रखा जाए। गर्मी के कारण जो है बोकारो जिले में ओपीडी में देखा जा रहा है कि 8 से 10 मरीज प्रतिदिन आँख पीला पेशाब पीला की शिकायत लेकर के लोग आ रहे हैं। खून वगैरह जांच करवाते हैं हम लोग तो उसमें जॉन्डिस निकलता है, तो उसका उपचार किया जा रहा है। ये दूषित पेयजल, खान पान सही से नहीं होना, पानी कम पीना और उसके साथ ही साथ किसी को बुखार है या और अन्य बीमारी है तो वो जॉन्डिस से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसका उपचार सदर अस्पताल में किया जा रहा है। और इसके बचाव के लिए लोग क्या उपाय इसके बचाव के लिए है कि शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें, ताजा भोजन करें, बचा खुचा खाना खाना नहीं खाना है। कितने मामले सर ऐसे जिले में पाए हैं? अभी तक तो 15-20 केस ही रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अति गंभीर कोई मरीज नहीं है। अब जॉन्डिस भी तो बहुत तरह के हैं, अब बहुत तो ओल्ड एज के लोग हैं, बहुत सारे अल्कोहलिक हैं, वो अन्य अन्य कारणों से जॉन्डिस से ग्रसित रहते हैं। किसी को स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल, उसके कारण भी जॉन्डिस हो जाता है, तो जांच के बाद ये सब कंफर्म होते हैं।